अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्दा कुज़ीन। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी चिकन पुलाव की रेसिपी। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसके सिंपल स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करें। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलें जी शुरू करते हैं। देज की लेनी है हमने बड़ी, ये मैंने बड़ी देज की ली है क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच ऑयल, ये जो बड़े चम्मच होते हैं तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। 1 किलो जब आप चावल बनाएं तो उसके अंदर आप 1 किलो ही गोश्त डालें, बेशक वो चिकन हो, बीफ हो या मटन हो। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 बड़े प्याज स्लाइस करके डाल दिए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आपका प्याज वाइट नहीं होना चाहिए, आपका प्याज लाइट भी नहीं होना चाहिए, आपका प्याज ब्राउन होने चाहिए जब भी आप पुलाव बनाएं, उससे चावलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, अब ये देखें मैं इनको अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। इसमें कोई साबुन मसाले नहीं जाएंगे, आपने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, वो आगे जाके डालेंगे हम। बड़ा ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक और ये 1 टेबल स्पून जा रहा है लहसुन, मतलब कि हो गया 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल दें। प्याज आप देख लें आपने इतने ब्राउन करने हैं, फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप अदरक लहसुन डालें तो आप उसके अंदर पानी ज़रूर थोड़ा सा डालें, उससे क्या होता है जो अदरक लहसुन की एक स्मेल होती है वो मर जाती है। ये मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना, ठीक है। जब थोड़ा सा ऑयल रिड्यूस हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर क्या कर देंगे, हम इसमें डालेंगे चिकन। आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो ब्रॉयलर चिकन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में मिल रहा है, वो थोड़ी देर से गलता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये चिकन अभी इसी स्टेज पर डालेंगे तो आगे तक ये अच्छी तरह से गल जाएगा। अगर आप लोगों को टाइम लगता है या आप कहते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है चिकन खिलाते, तो बेस्ट टिप ये होती है कि आप पुलाव बनाने से पहले इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लें। उससे क्या होता है कि चिकन की जो बोटी होती है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है जब आप पुलाव बनाते हैं, और आपका टाइम भी कम हो जाता है। अब मैंने इसमें डाल दिया साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये जा रही है 1 टीस्पून भर के काली मिर्च, इसका पाउडर डालना आपने। ये जा रहे हैं जी लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून भर के आपने डाल देनी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। एक पुलाव होता है जो बिल्कुल वाइट होता है, उसके अंदर ये सारे मसाले नहीं जाते, उसमें गरम मसाला, नमक और काली मिर्च आती है, और उसी से ही चिकन का अपना फ्लेवर होता है जिससे वो बहुत टेस्टी बनता है। वो हमारा सिंपल ऑथेंटिक पुलाव होता है कि आपके चावल वाइट होने चाहिए, उसमें हम प्याज भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। ये जो हम देसी हम चटोरे जो होते हैं, देसी पुलाव जो हम बनाते हैं, उसके अंदर हम काफ़ी सारे मसाले डालते हैं ताकि हमें चटपटा सा चिकन पुलाव मिले, और ये हम सबका फेवरेट होता है, हम लोगों को ज़्यादातर यही पसंद आता है। अच्छा जी, मैं जब भी मसाले डालती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ, इससे क्या होता है कि मसाले जो होते हैं वो अच्छी तरह से पक जाते हैं, वो जलते नहीं हैं, और उनका जो फ़्लेवर होता है वो ख़राब नहीं होता। आप भी ज़रूर डाला करें। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हमने सूखा धनिया का पाउडर डाल देना है। नमक डालना है इस पर ज़रूरत, जैसे मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ तो इसके अंदर तकरीबन 5 टीस्पून नमक चाहेगा। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालें, और अगर आप हाफ के जी बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से सॉल्ट एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया, अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बड़ी चटपटा सा ये पुलाव बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। इसको बेशक आप बगैर रायते सलाद के भी खाएं तो भी आपको बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, अब मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो इसका आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट कह दें, बम्बई बिरयानी, कोई सिंपल बिरयानी मसाला ले लें, 1 टेबल स्पून भर के आप डाल दें। उससे क्या होता है चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन बिरयानी वाला फ्लेवर बिल्कुल नहीं आता, आपके पुलाव का पुलाव ही रहता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे लगता है जैसे आपने देख के चावल खा रहे हो। इसको भी आपने मिक्स कर लेना। आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपका मसाला नीचे ना लगे, जब आपको फील हो कि आपका मसाला लगने लगा तो आप उसके अंदर थोड़ा पानी डाल दें।
जैसे कि मैं डाल रही हूँ। अब मैंने एक गिलास भर के पानी डाला है और मैं इसको ढक दूँगी मिक्स करके, ताकि जो हमारा चिकन है उसके अंदर से भी पक जाए अच्छी तरह से, इसमें से इसकी कचान की स्मेल आए। अब मैं इसको ढक दूँगी जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था मीडियम हीट के ऊपर। मीडियम हीट के अंदर जब आप रखते हैं तो वो चिकन खुद भी अपना पानी छोड़ता है और उसके बाद आपका चिकन अच्छी तरह से पक जाता है। अब ये देखें, चिकन पक गया था और थोड़ा सा नीचे लग भी गया है। सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी पानी, ताकि मेरा सारा मसाला जो जलने के करीब पहुँचा था वो ना जले। पानी आपने फ़ौरन डाल देना है, ये नहीं आपने सोचना है कितना पानी डाले जाना है, क्योंकि पानी तो एवेपोरेट होता जाएगा साथ साथ। ये जा रही है पेस्ट, जिसके अंदर है 1 कप दही, 3 टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्चें। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और ये मैंने इस स्टेज पे आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। जब ये बस आपका जो मसाला है ऑयल छोड़ देगा अच्छी तरह से, तब आपने इसके अंदर पानी डाल देना। आपने इसको भूनना नहीं है, चिकन हमारा भुन चुका था, गल चुका था। ये फ्लेवर देगा अब हमारे चावलों को। ऑयल देखें कैसे साइडों पे आ गया, पर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, वो दही का है, टमाटरों का है। अब इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून डाला है। आप इसके अंदर क्यूब भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। चलें जी, अब आप इसको मिक्स कर लें। चिकन पाउडर नहीं है ना डालें, क्यूब नहीं है ना डालें, इस उसके अलावा भी ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब मैं डाल रही हूँ पानी, जैसे कि 1 किलो चावल थे तो उसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी जाएगा। चावलों को आपने अच्छी तरह से भिगोना है। अगर आपके चावल देर ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उसको आपने ज़्यादा टाइम ही भिगोना है। सफ़ेद होना चाहिए आपको बिल्कुल चावल, वो निशानी होती है कि आपके चावल अच्छी तरह से भीग गए। अगर उनका कलर 2 हो या 3 कलर्स में हो, कहीं से वाइट कहीं से लाइट हो, तो इसका मतलब वो भी सही भीगे नहीं है। आपके चावल सही भीगेंगे तो ही वो सही पकेंगे और ज़्यादा फ्लेवरफुल होंगे। चलें जी, अब हम डाल देंगे चावल। पानी जब बहुत जोश मारेगा फिर आपने चावल डाल लें। चावल डालने के बाद आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। ज़्यादा चम्मच हिलाने से क्या होता है, चावल टूट जाते हैं। अब इतना सारा पानी डाला है तो जाहिर सी बात है चावल नीचे से नहीं लगते, तो आपने परेशानी होना, आपने छोड़ देना है इसको जब तक इसका पानी रिड्यूस नहीं हो जाता। तकरीबन 1 गिलास पानी इसका नहीं रह जाता, तब तक आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। अब जैसे मुझे फील हो रहा है कि 1 गिलास पानी रह गया और चावल ऊपर आ गए, फिर मैंने चम्मच हिलाया इसके अंदर। इस स्टेज पे आप इसके अंदर लीमू का रस भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, मेरे पास ख़त्म हो गया था, लेमन फ्रेश नहीं था। आप ज़रूर डालें और इसको दम दे दें। मैं पहले रुमाल हमेशा रखती हूँ और फिर मैं उसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ, उससे स्टीम बहुत अच्छी लगती है। 15 मिनट के लिए मैंने दम दे दिया था, मेरे चावलों को 15 मिनट लगते हैं। जैसे बासमती होती है, कच्ची बासमती, उनको तकरीबन 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त और खिले खिले चावल बने हैं और टूटे भी नहीं हैं। अब आपने सीधे चमचे से, पलटा जैसे कहते हैं, उस चमचे से हम चावल हिलाने हैं। वो मैंने गोल वाला जो चम्मच था उसकी शेप गोल गोल थी, वो नहीं लिया, उससे चावल टूटते हैं ज़्यादा, इससे नहीं टूटते। बस थोड़ा सा ही आपने हिलाना है कि एजिस से आप जो किनारे हैं उससे आप चावलों को ढीला कर दें। बस चावल हमारे रेडी हो गए, चिकन पुलाव हमारा बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगा। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।